दोस्तों आज एक पौधे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि लक्ष्मी का पौधा कहलाता है। इसे आप साधारण पौधा समझने की भूल मत करना, ये पैसा खींचने वाला पौधा होता है। दोस्तों पौधे तो बहुत सारे होते हैं और हमारे घर के आसपास कई तरह के पौधे और प्लांट उगते हैं, लेकिन हम उनके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों आज जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ वो आपको बल तो देगा ही, साथ में आपको धन भी देगा। आपकी जो जन्म जन्मांतर की गरीबी है उसको खत्म करेगा और आप रोडपति से करोड़पति हो जाओगे। माता लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा और आप बन जाएंगे करोड़पति। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों से, क्योंकि आज जो उपाय इस पौधे का मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आज तक यूट्यूब के चैनल पर किसी ने नहीं बताया होगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुनते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों अगर आपने यह पौधा कहीं पे देखा है तो तुरंत इसे तोड़कर अपने घर पे ले आइए। यह पौधा पैसे को खींचने का कार्य करता है। यह जैसे चुंबक लोहे को खींचने का कार्य करती है, उसी प्रकार से यह पौधा पैसे को खींचता है। आयुर्वेद में बहुत सारे चमत्कारी पौधे के बारे में देखने और सुनने को मिला है। कई ऐसी जड़ी बूटियां भी होती है जिनको खाने से जब तक असर होता है तब तक व्यक्ति गायब हो जाता है। तो दोस्तों असर खत्म होने के बाद वह फिर से दिखने लगता है। तो बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनको खाने से व्यक्ति को भूत भविष्य के बारे में अपने आप पता लग जाता है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनका बल का स्वर बनाया जाता है। ऐसे ही एक धन देने वाला पौधा भी होता है दोस्तों, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिसके पास ये पौधा होता है वह धनवान नहीं बल्कि वह कई चमत्कारिक सिद्धियां भी प्राप्त कर लेता है। दोस्तों ये जो बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े सेठ साहूकार आप देखते हैं, ये सभी इसी पौधे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं है क्योंकि ये बातें गुप्त होती हैं। लेकिन हमारा चैनल इस तरह की बातें सबको बताता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से जिनको भी जो ज्ञान मिल रहा है उसे उन व्यक्तियों का कल्याण हो जो कि हमारे चैनल को सुन रहे हैं और नियमित रेगुलर यूजर हैं। तो दोस्तों आज भी मैं आपको ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ। माना जाता है कि यह पौधा आपके पास लाते हैं तो यह धन खींचने का कार्य करता है। इस पौधे से धन, यश, सम्मान पाया जा सकता है, चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति पाई जा सकती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस पौधे के तांत्रिक उपाय बताने जा रहे हैं, लेकिन उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, तथा कमेंट बॉक्स में आपको जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखना है। दोस्तों ऐसा करने से बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप पर सदैव के लिए बनी रहेगी और श्री राम की कृपा भी आप पर बनेगी, इससे कि आपके जो भी बिगड़े हुए काम थे वो सब बनते हुए चले जाएंगे, क्योंकि राम से बड़ा होता है राम का नाम। राम नाम से तो पत्थर ही तिर गए, हम तो फिर भी इंसान हैं, तो हम भी तिर जाएंगे। दोस्तों जब राम नाम से पत्थर तिर गए तो हम तो इंसान हैं, हम भी तिर जाएंगे, हमारे जीवन में भी सुख समृद्धि और तरक्की आएगी। आप यदि आपके पास ये पौधा है तो आप इस तुरंत आपके आसपास कहीं पौधा ये उगा हुआ है तो तुरंत इस पौधे को तोड़कर अपने पास ले आए। आपको सबसे पहले इस पौधे को तोड़कर लाना है दोस्तों, और अब आपको इसको क्या करना है, धूप में रख देना है। अब आप जब इसको धूप में रखेंगे तो ये पूरी तरह से सूख जाएगा, और जब ये सूख जाए तो इसके अंदर से आपको काले रंग के बीज दिखाई देंगे, यानी इसके अंदर से आपको काले रंग के बीज दिखाई देंगे, काले रंग के आपको बीज इसमें से निकलते हुए दिखाई देंगे। तो आपको इन बीजों को निकाल लेना है और इन बीजों को लेकर के वो एक चांदी का सिक्का आपको लेना है। क्या करना है आपको, एक चांदी का सिक्का आपको लेना है। अब चांदी का सिक्का नहीं है आपके पास तो आप कोई भी सिक्का ले सकते हैं, जैसे 10 का, 20 का, 5 का, कोई सा भी सिक्का आप ले सकते हैं, लेकिन चांदी का सिक्का हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब चांदी का सिक्का आपने ले लिया, अब लाल कलर का कपड़ा आपको लेना है। अब लाल कलर के कपड़े में आपको यह जो इसका जो निकला हुआ बीज है, काले रंग का बीज, सिक्का और लाल कपड़े में आपको ये दोनों रख देने हैं, और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आपको जाप करना है। अब वो माता लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है वो कौन सा होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ये माता लक्ष्मी का जाप, माता लक्ष्मी के मंत्र का आपको जाप करना है। अब आप इस पोटली को ले जाकर नदी के पानी में आपको फेंक देना है, जैसे आप इस पोटली को ले जाएं और नदी के पानी में आप इसको ले जाकर के नदी के पानी में आपको इसको फेंक देना है, और आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है।
आपने क्या करा, आपने इस पौधे को सुखाया। पौधे को सुखाने के बाद आपने इसमें से बीज निकाला, काले रंग का जो बीज था वो निकाला, लाल कपड़ा लिया, लाल कपड़े के अंदर चांदी का सिक्का और काला बीज डाल करके पोटली बांध ली और आपको 21 बार या 51 बार या 108 बार माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीम श्री नमः, ये आपको जाप करना है और इस मंत्र का जाप करके इस पोटली को ले जा करके नदी के पानी में फेंक देना है। और अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जब आप घर पर आएंगे तो आपको इसका असर दिखने लगेगा, आपके घर के अंदर पैसा आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये जो उपाय है ये बहुत ही कारगर उपाय है। दोस्तों इस उपाय से बहुत सारे लोगों का, यानी आप गिनती नहीं कर सकते दोस्तों, इतने लोगों का कार्य हुआ है, इतने लोगों का कार्य हुआ है कि इसको लोग जानने लग गए हैं, लेकिन बताते किसी को नहीं है। क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी जी का जो भेद है वो किसी को भी नहीं बताया जाता। यदि आप इसको जब घर आएंगे इसको फेंकने के बाद, तो आपके घर में आपके साथ ही लक्ष्मी तुरंत रूप से आ जाएगी, अर्थात आपके घर में ऐसी परिस्थितियां बदलेंगी कि आपके घर में चारों दिशाओं से पैसा शुरू हो जाएगा आना। जैसे कि आपका बेटा है और वो रोजगार नहीं कर रहा है तो उसका रोजगार लग जाएगा, वहां से पैसा आ जाएगा। आप भी कोई काम धंधा करने लग जाएंगे, आपके पास भी रोजगार आने लग जाएगा, या फिर आपका काम धंधा है तो उसमें बढ़ोतरी होगी। यानी कि कहीं ना कहीं से आपके जीवन में इस तरह की तरक्की की राहें पैदा होंगी जिससे आपके जीवन में चारों दिशाओं से, जैसे चारों दिशाओं के हाथी होते हैं, उसी तरह से चारों दिशाओं से वो हाथी आपको धन ला करके देंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा चारों दिशाओं से आपके पास हो गई है। अब जानिए इसके कुछ आयुर्वेदिक गुण। दोस्तों यदि आपको बवासीर है, जैसे बवासीर की बीमारी होती है जो मत्स्य की बीमारी कहलाती है, उसमें व्यक्ति बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, वो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है दोस्तों, तो इस पौधे का जो नाम है वो है अतिबला। इसको अतिबला का पौधा कहा जाता है। अब इसको अतिबला क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रयोग से लोग बलवान भी बनते हैं, अर्थात इसके सेवन से आप में ताकत आती है। आपके जिस्मानी ताकत के लिए ये पौधा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अतिबला के पौधे का सेवन भीम भी किया करते थे, उनमें 10 हाथियों का बल था। तो इस तरह का जो ये पौधा होता है, इसका उपयोग यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा बल आपके जीवन में देखने के लिए मिलेगा, अर्थात यदि आप मर्द हैं, पुरुष हैं, तो आप बहुत ज़्यादा बलवान हो जाएंगे। और जो औरत या फिर जो आपको यदि कोई बीमारी है, जैसे बवासीर की बीमारी, तो बवासीर की बीमारी में अतिबला के बीज का सेवन करने से बवासीर की बीमारी नष्ट हो जाती है। यदि आपको शुगर की बीमारी है, जैसे आपने शुगर की बीमारी है, और शुगर की बीमारी में यदि अतिबला के पौधों के पत्तों का सेवन यदि आपने करा, तो इससे इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों दुनिया में ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो कि इंसुलिन बना सके। मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो इंसुलिन बनाए। बस गोली लेते जाओ, दवाई लेते जाओ, तब तक तो असर होता है, लेकिन दवाई लेने के बाद असर खत्म हो जाता है। लेकिन अतिबला के सेवन से आपके प्राकृतिक इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा, और यदि आपके प्राकृतिक इंसुलिन बनना शुरू हो गया तो आपकी शुगर की बीमारी का भी ये पौधा अंत कर देगा। साथ ही यदि आपके इसके पत्तों का सेवन करेंगे, इसके बीज का सेवन करेंगे, तो इससे आपकी बवासीर की बीमारी और इंसुलिन तो बनने लगी जाएगा, यानी शुगर की बीमारी तो खत्म होगी होगी, डायबिटीज़ तो कंट्रोल होगी होगी, साथ ही आपके शरीर में इतना ज़्यादा बल आ जाएगा जैसा कि भीम के शरीर में था, अर्थात आप अति बली हो जाएंगे। आप कोई भी कार्य करें लेकिन आप थकेंगे नहीं, आपको थकावट महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसा इसमें कहा होता है ये पौधा अतिबला। दोस्तों इस पौधे का उपयोग बहुत सारे तंत्र शास्त्रों में भी किया जाता है। यह पौधा बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन यह केवल पार्कों और बगीचों में दुर्लभ होता है। यदि आप इसको जाएंगे तो खाली स्थान पर यह बहुत आयत में देखने को आपको मिल जाएगा। हम इसका चित्र लगा देते हैं, आप इस चित्र से इसको पहचान सकते हैं और इसको घर पर ला सकते हैं। दोस्तों यदि आप इसको घर पर लाएंगे तो आपके जीवन में लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। दोस्तों अतिबला को आपको साधारण पौधा समझने की भूल नहीं करनी है, अर्थात ये साधारण पौधा नहीं है, इसमें अमृतत्व का वास है। इसमें इतना बल इसलिए है क्योंकि जब समुद्र मंथन के समय जब भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को अमृत का पान करवाया था, तब अमृत की कुछ बूंदें
इस पौधे पर भी गिर गई थी। तब से यह पौधा बहुत ज्यादा बलवान हो गया है और इसका सेवन जो भी मनुष्य करता है उसको बहुत ज्यादा बल की प्राप्ति होती है और उसकी सभी परेशानियां और सारी बीमारियां दूर हो जाती है, चाहे वह शुगर हो, डायबिटीज हो। ये सब बीमारियां जो हैं ये बल कम होने के कारण होती है। इस कारण से अति बला का जो पौधा है उसका सेवन आपके जीवन में बल और ताकत को भर देता है। दोस्तों, कई तरह की चमत्कारिक सिद्धियां भी इस पौधे से प्राप्त की जाती है, जिससे कि आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो, क्योंकि इसमें अमृतत्व का वास है। इस कारण से इसके अंदर माता लक्ष्मी का भी वास है, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास अमृत के अंदर बताया गया है। अमृत में माता लक्ष्मी निवास करती है और अमृत की कुछ बूंदें जब इस पौधे पर पड़ी तो यहाँ पर माता लक्ष्मी का वास इस पौधे पर भी हो गया। इस कारण से यह पौधा साधारण पौधा नहीं कहलाता। यह पौधा साधारण पौधा समझने की भूल आप ना करें, क्योंकि इस पौधे के अनुसार, इस पौधे के हिसाब से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी शारीरिक विकार हैं या फिर धन से संबंधित समस्या है, वह दूर हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे द्वारा दिया गया ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। एक लाइक तो दोस्तों बनता है। जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी की जानकारी हमने दी है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे उसके लिए जय माँ लक्ष्मी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा होगी। क्योंकि माता लक्ष्मी जब आप लिखेंगे जय माँ लक्ष्मी तो उससे आपके मन मस्तिष्क पर, मानस पटल पर माता लक्ष्मी का नाम अंकित होगा और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आप पर कृपा बरसाती हैं। बिना लक्ष्मी के जीवन पे कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसलिए माता लक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।